दिसंबर वो तारीख है जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें भी अयोध्या पर टिकी होंगी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का ट्रेलर इसलिए क्योंकि 30 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ अयोध्या पहुंच रहे हैं बल्कि अयोध्या की सड़कों पर उनके करीब 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करने का प्लान है। मोदी का यह अयोध्या दौरा कई मायनों में खास है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में पूरी हो चुकी कई योजनाओं को समर्पित करेंगे, अगली योजनाओं का ऐलान करेंगे। 30 दिसंबर को मोदी सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक यहां से वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मैं जानता हूं मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जमा हो सकती है। राम अयोध्या के राजकुमार थे लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। अब समझिए कि अयोध्या का संपूर्ण कार्यक्रम अभी बाकी है और 30 दिसंबर को उसकी पहली तस्वीर दिखाई देगी। बड़ी बात यह भी है कि साल 2024 के पहले ओपिनियन पोल में बीजेपी उत्तर भारत में विरोधियों को बुरी तरह परास्त करती पहले से ही नजर आ रही है और ऐसे में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो आखिर उसके बाद का माहौल क्या होगा। दरअसल राम मंदिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा दाव माना जा रहा है। बीजेपी को इस दाव का कितना फायदा मिलेगा इसके जवाब से पहले आपको दिखाते हैं कि 2024 चुनाव को लेकर उत्तर भारत में एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। उत्तर भारत रीजन में लोकसभा की कुल 180 सीटें हैं और इन 180 सीटों पर एनडीए गठबंधन को 50% वोट मिलते दिख रहे हैं जबकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 36% और अन्य के खाते में 14% वोट जा रहे हैं। वोट प्रतिशत के बाद सीटों का आंकड़ा देख लेते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत रीजन की 180 सीटों में एनडीए गठबंधन को 150 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80, देश में 400 पार और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, यह जनता ने ठान करके बैठा हुआ है। इस समय आंधी और सुनामी और सब कुछ चल रहा है, ये जो ठग बंधन है, जो घमंडिया गठबंधन है, ये कहीं टिक नहीं पाएगा। अब की बार 400 के पार होगा। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की पुनः सरकार बनेगी। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये दुनिया इस सच्चाई जान चुकी है। स्वाभाविक है कि आंकड़े देखकर यूपी बीजेपी के नेताओं का मन बल्लियों उछल रहा है और जानकार भी मान रहे हैं कि राम मंदिर का फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। ये तय है कि बीजेपी अब तक जो चुनाव और खासतौर से अभी जो हाल में चुनाव हुआ वो नाम और काम पे जीती है, क्योंकि बीजेपी एक उस हालत में है जहाँ वो डिलीवरी करती रही है, कर सकती है, तो लोगों ने उस पर ज़्यादा विश्वास किया। अब राम नाम का तड़का जब लग जाएगा तो वो तड़का क्या पूरी अब एक पूरा माहौल जो है राम नाम पे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मूड क्या कहता है जरा वो देखिए। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 49% वोट शेयर के साथ एनडीए गठबंधन 73 से 75 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 35% वोट शेयर के साथ सिर्फ 4 से 6 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। 5% वोट शेयर के साथ बहन मायावती की पार्टी 0 से 2 सीटों के बीच झूलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊं 24 के चुनाव पे 440 का झटका लगने वाला है कांग्रेस पार्टी को और उनके जो कुनबे के साथी हैं उनको। ये जो कुनबे की चिकचिक किचकिच चल रही है उससे स्पष्ट है कि ये 24 के चौराहे से 34 के चौक तक पहुंचने की कोशिश है और